आप सभी को मेरा नमस्कार। ये हमारा पोहा है एक कटोरी, इससे हम चल रहे हैं नाश्ता बनाने। तो इसको हम धुल लेते हैं पहले, ये बाउल में रख ले रहे हैं। इसको हम अच्छी तरीके से धुल लेते हैं दो बार। ये हम बारीक पोहा धुल लिए हैं, तो ये हम बारीक कटा हुआ प्याज मिला रहे हैं इसमें। ये हमारा बेसन है, आधी कटोरी मिला रहे हैं इसमें। कस्तूरी मेथी है थोड़ा सा, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच हम इसमें जीरा मिला रहे हैं। बारीक कटा हरा मिर्च और हम हरी धनिया बारीक कटा हुआ मिला ले रहे हैं। इसमें हम आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा मिला रहे हैं। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं इसमें हम। इसको इस तरह मिला लेते हैं पहले, पानी भी नहीं डालेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच हम हल्दी डालेंगे और ये दरबरा कुटा हुआ आधा छोटा चम्मच हम लाल मिर्च डाल रहे हैं। इसमें हम पानी डाल के मिलाएंगे, पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का हल्का डालेंगे। ये इस तरह से हम सभी चीज़ों को मिलाए हैं, ये ज़्यादा हम गीला नहीं किए हैं। देखिए हमारा सूखा सूखा है, इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए, हमारा सेट हो जाए तब हम इसको बनाते हैं। ये इस तरह हमारा सेट हो गया है, तो इसको अब निकाल के हम बनाने चल रहे हैं। ये हम कढ़ाही रख दिए हैं, उसमें ऑयल डाल दिए हैं, अब इसको चल रहे हैं बनाने। इस तरीके से इसको हम बनाने चल रहे हैं। ये देखिए हमारा टिकिया जैसे बन गया है, अब इसको हम डाल दे रहे हैं कढ़ाही में। धीमी आंच किए हैं हम, आंच ज़्यादा तेज़ नहीं किए हैं। इसी तरह हम सभी बना ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह हम पलट दिए हैं, तो ये सभी ब्राउन हो गया है। इसको हम चल रहे हैं प्लेट में निकालने। इस तरीके से हम सभी को बना ले रहे हैं। ये देखिए हमारा बन रहा है। ये हमारा बन गया है, इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। अब इसके साथ चटनी लगा देते हैं। ये हमारा नाश्ता बन गया है, ये देख लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा बना है। ये हम इसके साथ चटनी बनाए हैं, ये हमारा टमाटर धनिया मिर्चा की चटनी है, हरा धनिया, ये बहुत ही इसके साथ स्वादिष्ट आता है। और ये हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। आप लोग बताइएगा कि कैसा बना है कैसा नहीं, और हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी दोस्तों को धन्यवाद।